152. हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि कंपनी किसी पर्सन है, कंपनी के पावर कितनी, अथॉरिटी के पास कौन कौन, ठीक है, सुपीरियर अथॉरिटी कौन है, डायरेक्टर्स तो क्या हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, नहीं क्या? अब जो डायरेक्टर्स हैं कौन है, जो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? पहला पॉइंट यही बोलता है, जब तक कि एक्ट में अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हो, ऐसा लिखा ना, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दी एक्ट. चलो पहले लीगल लाइन पढ़ो, फिर और अच्छे से समझाता हूं मैं क्या लिखा है. बोलो, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय दी कंपनी इन जनरल मीटिंग. तो ये सिंपल जनरल प्रोविजन है जो कि ये बोलता है जब तक, अच्छा ये बोलता है कि जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी, सबका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर. कहां पर? बट हां, किसी प्रोविजन में अगर कुछ अलग बात कही है ना, किसी और को अपॉइंटमेंट का राइट दिया ना, तो फिर वो व्यक्ति अपॉइंटमेंट कर सकता है. तो ये वर्ड दिया ना, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड मतलब साफ साफ लिखा है, क्लियरली मेंशन है. अदरवाइज मतलब आगे जो प्रोविजन लिखे हो उसके अगेंस्ट जाकर कुछ भी लिखा है ना. सेव सेव करना मतलब क्या, उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम कि अगर कहीं पर कुछ और लिखा है तो वो एप्लीकेबल रहेगा, वो आपको कंप्लाई करना है. बट अगर कहीं पर भी कुछ भी, तो हमेशा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयरहोल्डर. कहीं पर भी अगर कुछ भी, तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं हमेशा? कहां पर? कहां पर? ये आपका पहला पॉइंट है. सबसेक्शन कौन सा है ये? सबसेक्शन 2. पॉइंट आ रहा है समझ में? वापस से बोलेंगे, कौन सा सेक्शन पढ़ा हमने? 152. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? तो ये यही बोलता है, जितने भी, सबका अपॉइंटमेंट कहां पर? बट हां, अगर कहीं किसी प्रोविजन में कुछ और अलग से लिखा है तो वो एप्लीकेबल होगा, फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, हो जाएगा ये? चल फिर क्या बोला है? तो ये हमने वो चार पॉइंट पढ़े थे ना, वही दिया है. सबसे पहले क्या बोला है? डिन और इटैलिक में लिखा होगा, एनी अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब. दो चीज लिखी ना, एक तो क्या बेटा, डिन, दूसरा क्या बोला, मतलब अब गवर्नमेंट इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि डिन के अलावा भी कोई दूसरा नंबर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है. हो सकता है गवर्नमेंट ये बोल दे, जिसके पास आधार कार्ड हो वही बनेगा और उस आधार कार्ड के बेसिस पर ही अपॉइंटमेंट होगा. क्यों? हर चीज में तो नंबर दिलवा रखे हमको यार. डायरेक्टर बनने के लिए डिन, LLP का पार्टनर बनने के लिए DPIN, पैन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन, GST के लिए अलग नंबर. तो हो सकता है कॉमन नंबर वो दे दें या परमिट कर दें कि ठीक है आप पैन नंबर के बेसिस पर या आधार कार्ड के नंबर के बेसिस पर आप बन सकते हो, अलग से आपको दूसरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है. हो सकता है ऐसा वो बोल दें, इसलिए ये थोड़ा सा चेंज करके लेकर आए हैं. क्या बोला है कि वही व्यक्ति क्या बनेगा? डायरेक्टर. बोलो बच्चों, क्या? जिसके पास डेन और एनी अदर नंबर एस मे बी प्रिस्क्राइब. तो अब आपको केवल डिन नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे अपन? डिन और एनी अदर नंबर एस मे बी प्रिस्क्राइब बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट. वो होना चाहिए, जब तक वो नहीं है आप डायरेक्टर नहीं बन पाए. तो हमने वो चार चीज पढ़ी थी ना, ये उसी का पहला पॉइंट है. क्या है पहला पॉइंट बेटा? कि जिस भी व्यक्ति को हम, उसके पास या तो या और कोई नंबर, जैसा कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिस्का. दूसरा वो सेक्शन 164, रिवाइज कर लो जल्दी से. दूसरा वो सेक्शन क्या नहीं हो? डिस्क्वालिफाइड नहीं. तो जो पर्सन 164 में क्या है उसे हम नहीं बना पाएंगे. तीसरा क्या? कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर दे, कौन से फॉर्म में?
मिल गया आपको, हाँ, तो वो क्या देगा बेटा, कंसेंट देगा, कौन से फॉर्म में, हाँ, एंड जब उसका क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट, जब उसका क्या हो जाएगा, तो अपॉइंटमेंट से, वेरी गुड, अपॉइंटमेंट से 30 दिन बाद नहीं, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, DIR 12, किसको, कितने दिन में, कब से, DIR 12 के साथ क्या दोगे, DIR 2 की कॉपी प्लस फाइलिंग फीस, फीस मत लिखो, फाइलिंग फीस, फीस भी दो तरह से होती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एक फाइलिंग फीस होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं एट दैट टाइम वी पे रजिस्ट्रेशन फीस, देयर आफ्टर व्हाइल फाइलिंग एनी फॉर्म वी पे फाइलिंग फीस, ठीक है, चलो ये कहानी समझ में आ गई, चारों पॉइंट वापस रिपीट कर लो, खत्म करो, पहला उस व्यक्ति के पास दिन, दिन मत बोलो ना, केवल अभी क्या समझाया मैंने, दिन और प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 153, है ना, फिर सेकंड, सेकंड क्या बोला, 164 में वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, ये कॉमन पॉइंट है बेटा, हर डायरेक्टर के लिए है, ये कॉमन पॉइंट है, ये हर डायरेक्टर के लिए है, ये प्रोविजन जो है ये क्या है, हर डायरेक्टर के लिए कॉमन पॉइंट है, हर डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये चिड़ाई समझ में अपने को, हाँ, फिर तीसरा, तीसरा क्या बोला, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कौन से फॉर्म में, हाँ, और फिर क्या करना है, आरओसी को बताना है, कौन से फॉर्म में, DIR 12 में, कितने दिन में, कब से, उसके साथ क्या जाएगी, टू एंड फाइलिंग फीस, ये चीजें समझ में, बोलो बच्चों, और 170 के रजिस्टर में एंट्री भी करते हैं, ये भी याद करना चालू कर दो, सेक्शन 170, 170 में एक रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, बोलो बच्चों कौन से सेक्शन में, 170 में क्या मेंटेन करते हैं हम, एक रजिस्टर, सबसे एंड वाला पेज देखो आप, आपके नोट्स का रजिस्टर ऑफ KMP, सबसे एंड वाला पेज, सबसे एंड बेटा, मिला 170, याद करना चालू कर दो इसको भी अभी से, कि पांच चीज कंप्लाई करेंगे, मिला आपको, क्या दिया है, रजिस्टर ऑफ KMP मिला, हाँ, तो बोले इस रजिस्टर के अंदर अपने को क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी, पेज नंबर 28 पर दिया है, 28 पेज पे दिया, मिला ना अपने को, तो ये पांच चीजें याद रखो, और कोई से भी डायरेक्टर का प्रोविजन आपसे पूछे, ये पांच चीज तो आप लिख ही देना, डिन यादर नंबर 164, DIR 2, DIR 12 एंड अपॉइंटमेंट के बाद, जैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर का रिकॉर्ड रखती है ना, जिसे रजिस्टर ऑफ मेंबर बोलते हैं ना, इसी तरह से कंपनी अपने डायरेक्टर का, KMP का, CS का, CEO का, CFO का, इनका भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, तो जब भी कंपनी में कोई व्यक्ति क्या बनता है, डायरेक्टर, उस रजिस्टर में उसके नाम की एंट्री मारी जाती है, तो बस वो रजिस्टर कौन से सेक्शन में मेंटेन होता है, 170 में, कौन से, तो बोले 170 वाले रजिस्टर में क्या कर देंगे हम, एंट्री, समझ में आए, चल फिर क्या दिया, फर्स्ट डायरेक्टर, है ना, यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना, हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर कौन सा सेक्शन है, 150 सबसेक्शन 1, है ना, 152 ही चल रहा है अभी, 152 खत्म नहीं हुआ, चलो कौन सा डायरेक्टर बोला है, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब पहला डायरेक्टर, कि पहला डायरेक्टर, तो इनकॉर्पोरेशन की डेट से जो व्यक्ति कंपनी का क्या बनता है, डायरेक्टर, वापस से बोलो कौन सी डेट से, हाँ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो पर्सन कंपनी के क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर, है ना, सबसे पहले तो हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड, है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन करता है, प्रमोटर, वो व्यक्ति जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ये समझ में आ रहा ना, जो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 7 होंगे,
अरे ऐसा याद आया, फाउंडेशन में पढ़ाया था मैंने, या हो सकता है एसबीसी में पढ़ लिया हो तुमने अभी, कि अगर हमें कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी, क्या बनानी है तो कम से कम कितने प्रमोटर चाहिए? दो। पब्लिक बनानी तो कम से, ये वही मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये वही है, कौन है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, है ना। तो ये व्यक्ति मिलकर कंपनी बनाने के लिए क्या उठाते हैं? स्टेप्स। फिर जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ये करते हैं तो क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम एंड प्रमोटर्स। कौन हो गए? कंपनी के पेरेंट्स हो गए, जो कंपनी को बना रहे हैं, जो कंपनी को। अब जब मेमोरेंडम बनाते हैं तो फिर एक होते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोलो बच्चों, कौन होते हैं जो नॉर्मली, जो प्रमोटर होते हैं नॉर्मली, कौन होते हैं जो, वही क्या होते हैं, मतलब जिन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज पर या एसोसिएशन क्लॉज पर। अरे मेमोरेंडम के 6 क्लॉज थे, क्या तुम्हें याद है? पहला क्या था? दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा लायबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन, एसोसिएशन। वो व्यक्ति जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज पर क्या करते हैं? साइन। कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज पर क्या करते हैं? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कहलाते हैं। बोल के बताओ, क्या बोला मैंने? वो पर्सन जो मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज पर क्या करते हैं? काहे के लिए? कंपनी बनाने के लिए। काहे के लिए? वो क्या कहलाते हैं? ये और कोई नहीं होते, होते प्रमोटर ही हैं। ये व्यक्ति कौन होते हैं बेटा? प्रमोटर ही होते हैं। तो जैसे मान लो हम एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं जिसमें दो मेंबर हैं, शर्मा जी और वर्मा जी, ये प्रमोटर हो गए। इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाने के लिए स्टेप्स उठाए। अब जब ये मेमोरेंडम बनाएंगे तो मेमोरेंडम पे क्या करना पड़ेगा? साइन। इन्हीं दोनों ने, शर्मा जी और वर्मा जी ने, मेमोरेंडम पर क्या कर दिए? तो ये क्या कहलाएंगे? जब तक ये कंपनी बनाने की स्टेप्स उठा रहे थे तब तक ये प्रमोटर्स थे। जैसे ही इन्होंने मेमोरेंडम पर साइन किया, ये क्या बन गए? हर सब्सक्राइबर को एटलीस्ट 1 शेयर लेना कंपलसरी। ज्यादा जितने आपको लेना ले सकते हो, बट हर सबको कम से कम। जब ये सब्सक्राइबर यहां साइन करेंगे और क्या लेंगे? शेयर्स। क्या लेंगे? तो यही व्यक्ति शेयर होल्डर भी बन जाएंगे। वही शर्मा जी वर्मा जी हैं जो पहले कौन थे? प्रमोटर, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाने के लिए स्टेप्स उठाए। फिर उन्होंने ही किस पे साइन किया? मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन क्लॉज पर। तो ये क्या बन गए? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। फिर सभी सब्सक्राइबर को कम से कम, तुमको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो रिवाइज करो, सुपन पिटो रो, सभी सब्सक्राइबर को कम से कम। जैसे इन्होंने क्या लिए, ये क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। क्या बन गए बेटा ये? तो प्रमोटर ही क्या होता है? सब्सक्राइबर। प्रमोटर ही क्या होता है? एंड सब्सक्राइबर ही क्या बनता है? ये फर्स्ट शेयर होल्डर हो जाते हैं कंपनी के। क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले शेयर इन्होंने लिए। क्यों हो जाते हैं ये फर्स्ट शेयर होल्डर? सबसे पहले शेयर ही इन्होंने लिए ना, इसके पहले किसी ने लिया क्या? नहीं यार, इसके पहले किसी ने नहीं लिया, सबसे पहले इन्होंने लिया। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? तो ये क्या बन गए? फर्स्ट मेंबर भी बन गए। हमने बोला डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जब तक कि अदरवाइज ना बताया जाए। अब हम फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यही शेयर होल्डर क्या है? सब्सक्राइबर। यही सब्सक्राइबर क्या है? और इन्हीं प्रमोटर ने क्या बनाया है? मेमोरेंडम आर्टिकल। तो फिर इनकी ड्यूटी बनती है कि जब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं, इनकी ड्यूटी बनती है जब ये उसमें नाम लिख दें कि कौन व्यक्ति कंपनी का क्या होगा? फर्स्ट आर। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल कौन बना रहा है? प्रमोटर। तो वो प्रमोटर ही तो ओनर हैं, प्रमोटर ही तो शेयर होल्डर हैं, वही डिसाइड करेंगे कि उनकी कंपनी चलाएगा कौन। ये मैंने इतनी सारी कहानी है ना, ये केवल समझाने के लिए बताइए। आंसर में तो सीधे ही आ जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नेम्ड इन दी एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दे बिकम डायरेक्टर फ्रॉम दी
डेट ऑफ इनकॉर्प. अब आर्टिकल बनाया है ना, मान लो शर्मा जी वर्मा जी ने आर्टिकल में लिख दिया कि ए एंड बी हमारे क्या रहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर. क्या रहेंगे हमारे? अब इस आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आरओसी के पास, एंड कंपनी को क्या इश्यू हो जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहलाती है. तो ए और बी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी के क्या बन गए? डायरेक्टर. क्या ये सबसे पहले डायरेक्टर है? हाँ. क्या इनके पहले कोई डायरेक्टर था? नहीं. दैट इज वाई दे आर नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स. ये कहानी आई समझ में? पूरा रिपीट करेंगे है ना. तो सबसे पहले कौन होते हैं? जो कम से कम दो, ये वही है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. जिस समय ये जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से इनका क्या कर दिया जाता है? नाम. नाउ दे आर टेकिंग स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दैट इज वाई दे आर नोन एज प्रमोटर. तो फिर ये क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करना मतलब, सब्सक्राइब करना मतलब कंपनी बनाने के लिए. काहे के लिए? जैसे ही मेमोरेंडम पर क्या करेंगे, ये क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. क्या कहलाएंगे ये? क्या कहलाएंगे ये? तो शर्मा जी वर्मा जी ही सब्सक्राइबर हो गए, शर्मा जी वर्मा जी ही प्रमोटर थे. फिर हर सब्सक्राइबर को कम से कम, कम से कम, ज्यादा कितने ही ले सकते हैं, बट कम से कम एक लेना तो जरूरी है. और जैसे ही ये क्या लेंगे, क्या बन जाएंगे? तो ये फर्स्ट मेंबर भी हो गए. वही व्यक्ति हैं, पहले प्रमोटर, फिर सब्सक्राइबर, फर्स्ट मेंबर. फिर ये जब आर्टिकल बनाएंगे तो आर्टिकल में किसका नाम लिखेंगे? ये चाहे तो अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, हम कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे. कोई टेंशन थोड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है ना, मेरी कंपनी है, मैं बनाऊं अच्छे से, मैं चला सकता हूं, मैं क्यों बनाऊंगा दूसरों को डायरेक्टर? मैं खुद डायरेक्टर बन जाऊंगा. सो दे नेम देमसेल्फ एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. कंडीशन वही है, इनके पास डिन हो या दूसरा नंबर हो, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबमिटिंग डीआईआर 2. वो कंडीशन सबके लिए सेम. ठीक है, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था ना कि जो मेजोरिटी के शेयर होल्डर होते हैं वो डिसाइड करते हैं उनकी कंपनी कौन चलाएगा. और अगर उनको लगता है वो खुद चला सकते हैं तो खुद ही डायरेक्टर बन जाएंगे ना. तो यहां जो प्रमोटर हैं वही क्या हो सकते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर भी. एक ही व्यक्ति चार जने, चार कैपेसिटी में हो गया. पहले वो क्या था? क्यों था? क्यों था? कंपनी बनाने के लिए स्टेप्स उठा रहा था. फिर उसने क्या किया? साइन किए. किस पर? तो वो क्या बन गया? सब्सक्राइबर. फिर उसने क्या ले लिए? वही फर्स्ट मेंबर हो गया. और उसने अपने आप को ही क्या बना लिया? वही फर्स्ट डायरेक्टर हो गया. ये चीज आई समझ में अपने को? बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम ना बने डायरेक्टर, हम तो किसी और को बनाए, तो हम किसी दूसरे का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हां, प्रमोटर, सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट मेंबर होगा, ये मैंडेटरी है. प्रमोटर क्या होगा बेटा? सब्सक्राइबर एंड, ये मैंडेटरी है. बट प्रमोटर ही क्या बने, ये जरूरी नहीं, वो उनकी इच्छा है. बट प्रमोटर ये नहीं कर सकता कि मैं कंपनी बनाऊं और मेंबर किसी और को बना दूं, पहला वाला नहीं, ऐसा नहीं. यहां तक की कहानी समझ में आई क्या अपने को? तो ये सारी चीज आपके बेसिक समझने के लिए है. हम आंसर अगर आता फर्स्ट डायरेक्टर पे तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? हु आर नेम्ड इन मेमोरेंडम, नहीं क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद दी कंपनी, कंपनी क्या आई में आ जाएगी? एग्जिस्टेंस में. कंपनी को क्या इश्यू हो जाएगा? वो कंपनी की क्या हो जाएगी? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और उस डेट से ये व्यक्ति क्या मान लिए जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर. पॉइंट समझ में आया? अब ये बोल रहे हैं अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नॉट नेम्ड काई में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर हमने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहां नहीं लिखा तो क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? पहले तो फर्स्ट डायरेक्टर के लिए अपन क्या उठा के देख लेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. बट अगर आर्टिकल में नाम, आर्टिकल में नाम, तो फिर जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है कौन है? जो वही क्या मान लिए जाएंगे?
deemed to be first director. And subscriber to the memorandum मतलब कौन? Promoter, जिन्होंने कंपनी बनाई. तो लॉ ये बोलना चाहता है, या तो आप डिसाइड कर लो कि आप किसको फर्स्ट डायरेक्टर बनाना चाहते हो, और अगर आपने डिसाइड आ तो हम मान लेंगे आप खुद ही फर्स्ट डायरेक्टर. पॉइंट आया समझ में? रिस्पॉन्स करो बे बेटा. चले रिपीट कर ले. कौन सा सेक्शन है? सब सेक्शन वन. किसके बारे में? तो फर्स्ट डायरेक्टर सर named in the and after registration of company they become from the, if they are not so then promoter natural person hoga ki artificial person hoga ki dono ho sakte hain? Dono ho sakte hain. प्रमोटर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है. बोलो बच्चों, प्रमोटर जैसे एबीसी लिमिटेड के नाम से कंपनी बनानी है ना, और वो कंपनी बनाना चाहती है रिलायंस. कौन बनाना चाहती है? तो रिलायंस एबीसी की क्या हो जाएगी? प्रमोटर, है ना. और रिलायंस किसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन. बोलेंगे बच्चों जल्दी से, रिलायंस किसी पर्सन है? तो जो प्रमोटर है वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, और ऑब्वियसली रिलायंस खुद काम नहीं करेगी, वो किसी पर्सन को क्या कर देगी? ऑथोराइज कि भाई मेरे बिहाफ पर ये काम कर. कंपनी तो सबसे बड़ी आलसी इंसान है, वो खुद कुछ कर ही नहीं सकती है, दूसरे से करवाएगी. ये चिड़ाई समझ में? वापस से बोलो. क्या बोला मैंने? प्रमोटर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, और है ना. अब मान लो ये प्राइवेट कंपनी है, हम ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते हैं, कैसी कंपनी है? अब इसके दो प्रमोटर हैं, मान लो रिलायंस ने और टाटा ने मिलकर ये कंपनी बनाई है. किस किस ने मिलकर? दोनों ही प्रमोटर कैसे? आर्टिफिशियल पर्सन. तो क्या ये सब्सक्राइबर बन जाएंगे? हाँ, क्योंकि किसी को ऑथोराइज कर देंगे मेरे बिहाफ पर साइन कर. क्या ये फर्स्ट मेंबर भी बन जाएंगे? क्योंकि ये शेयर ले सकते हैं. बट ये डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर का इंडिविजुअल, वेरी गुड, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है. किसका? प्रमोटर का नहीं, शेयर होल्डर का नहीं. शेयर होल्डर भी कंपनी बन सकती है. अरे होल्डिंग कंपनी क्या होती है? आधे से आधा वोटिंग पावर है ना, तो शेयर खरीद रखे ना उसने, तो होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर हो जाती ना. तो कंपनी, या यूं कहो आर्टिफिशियल पर्सन प्रमोटर हो सकता है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हो सकता है, और शेयर होल्डर भी हो सकता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बट डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल. डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल मतलब, ये समझ में आया आपने को? तो अब अगर ये दोनों चाहे कि हम ही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाए तो बन सकते हैं क्या? नहीं. तो इनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि नाम लिखे, इनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि ये, और फिर भी इन्होंने नाम, तो क्या इनको फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर का क्या होना जरूरी है? तो फिर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर नहीं होगा जब तक कि जनरल मीटिंग कॉल करके क्या ना बनाया जाए डायरेक्टर. फर्स्ट डायरेक्टर्स, सबसे पहले आर्टिकल देख लो, आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, तो सब्सक्राइबर हो जाएंगे. बट सब्सक्राइबर में से वही व्यक्ति होंगे जो नेचुरल पर्सन है, ठीक है. यह भी पॉसिबल है कि रिलायंस और शर्मा जी ने मिलकर क्या बनाई हो? एबीसी. तो फिर रिलायंस तो नहीं होगी, बट शर्मा जी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ. तो केवल एक ही डायरेक्टर माना जाएगा फिर इस कंपनी में, जब तक कि जनरल मीटिंग करके आप क्या ना करो, दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट ना करो. हो जाएगा ये? सबसेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ध्यान से समझने का. प्रॉपर तरीके से समझ लोगे जिंदगी भर तकलीफ नहीं होगी, है ना. ये है रोटेशनल डायरेक्टर से रिलेटेड, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना कि एलआरआर, एलआरआर लायबल टू, वो
उस डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन अब हम पढ़ रहे हैं कि रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, कितने डायरेक्टर रोटेशनल होते हैं, जो डायरेक्टर रोटेशनल है उसका होगा क्या, वो सारी चीजें। ये समझ में आ रहा है अपने को? तो यहां 152 सबसेक्शन 6 जो है वो रिटायरिंग डायरेक्टर के बारे में भी बताता है, है ना। पहला लाइन आपको वही दिया है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं आपको समझ में आया? चलिए अब अपन डिटेल देखते हैं, है ना। तो ये जो प्रोविजन है रोटेशनल डायरेक्टर के, ये केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? पब्लिक कंपनी पर। पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, छोटी हो, बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। सारी पब्लिक कंपनीज के ऊपर ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये मतलब निकला इसका। चले वापस से बोल के बताएं, हम जो रोटेशन के प्रूव, आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? रोटेशन के प्रोविजन पढ़ रहे हैं ना, वो केवल किस पे नहीं लगेंगे? प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये समझ में आ गया? फिर से बोलो, काय के प्रोविजन है जो, वो केवल किस पे नहीं? अब हम हमारी स्टडी के पर्पस से पब्लिक कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर हैं, पब्लिक कंपनी के कौन है बेटा जो, हम उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आईडी, जिसके बारे में हमने 149 में पढ़ा। एक तो कौन बेटा? आईडी, जिसके बारे में हमने 149 के अंदर पढ़ा। दूसरा आरडी मतलब रोटेशनल डायरेक्टर, आरडी मतलब। तीसरा एनआरडी मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। ठीक है, वापस से, जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है ना, हम उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो कौन से डायरेक्टर? आईडी। आईडी मतलब, इसकी कहानी हम पूरी पढ़ चुके हैं 149 में, हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे अब। एंड 152 सबसेक्शन 6 इस पे लगता भी नहीं है, वो इन दोनों के ऊपर लगता है। ये समझ में आपने को? बट हां, हम पूरा एक बार देख रहे हैं, बोर्ड का पूरा कंपोजिशन देख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि जो टोटल डायरेक्टर हैं, कौन है बेटा जो, हम उसे पढ़ने के लिए इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कौन? आईडी, आरडी। आईडी जो सेक्शन, आरडी मतलब रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर हु इज LRR। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब कौन जो? LRR। LRR मतलब जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। समझ में आया? अब बोले रिटायर होना मतलब पोस्ट खाली करना, रोटेशन से रिटायर होना मतलब वन बाय वन जब आपका नंबर आएगा, एंड लायबल है मतलब आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप क्या होंगे? रिटायर, आप नॉन रिटायरिंग नहीं है। वापस से क्या बोला है? बोले रोटेशनल डायरेक्टर वो होता है हु इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। वापस से बोलो, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है? लायबल है मतलब उसके अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा ही है कि ये क्या होगा? रिटायर, मतलब ये परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, मतलब ये एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं आया है, ये टाइम टू टाइम क्या होता रहेगा? रिटायर। बट कैसे? तो बोले रोटेशन से। कैसे बेटा? रोटेशन मतलब एक साइकिल होता है, पूरा एक चक्र होता है, जब नंबर आता है तभी होता है, जैसे अर्थ भी रोटेट करती ना अपनी एक्सेस पर कि नहीं करती, और उसका रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता? तो एक बार पूरा घूम के आती ना, तो ऐसे ही इनका भी रोटेशन रहेगा। तो जब जिसका नंबर आएगा, कब किसका आएगा वो मैं बता रहा हूं, जब जिसका नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? रिटायर। क्या हो जाएगा? एजीएम में। कहां पर? कहां पर? तो रोटेशनल डायरेक्टर वो होता है जो
एजीएम के अंदर लायबल होता है रिटायर होने के लिए, हां अगर वो एलिजिबल है, अगर वो क्या है तो उसका रीअपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, करें ये जरूरी नहीं है। वो रिटायर होगा ये जरूरी है, रीअपॉइंटमेंट शेयरहोल्डर की इच्छा है, करें या ना करें, नॉर्मली कर दिया जाता है, नॉर्मली कर दिया जाता है। ठीक है, वापस से कौन से डायरेक्टर बोले हमने? रोटेशनल डायरेक्टर। कौन से डायरेक्टर? रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं जो? वेरी गुड। वह हर साल कहां पर? सारे होते हैं क्या? जब जिसका वो रिटायर हो जाता। अब कैसे आएगा नंबर वो सब मैं बता रहा हूं आपको, यहां तक की कहानी समझ में आई। एंड ऐसे डायरेक्टर जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, वापस से बोलो, ऐसे वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? क्योंकि हर साल एजीएम में रिटायर, इनका अपॉइंटमेंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं हम, दो साल, तीन साल, पांच साल कर सकते हैं हम इस तरह से। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? बट ये जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं, इनका अपॉइंटमेंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, ये तो हर साल एजीएम में क्या होंगे? रिटायर। पॉइंट आ गया समझ में अपने को? अब हमें, अच्छा ये प्रोविजन केवल किस पे लग रहे हैं बेटा? इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस ऑफ लिस्टेड, अनलिस्टेड, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, कुछ नहीं देखना है। एक छोटी से छोटी पब्लिक कंपनी तो भी लगेगा ये प्रोविजन, भले ही एक लाख की पेड अप कैपिटल वाली पब्लिक कंपनी तो भी ये प्रोविजन लगेगा। लगेगा मतलब लगेगा, ठीक है। अब हम ये देखें कि कितने डायरेक्टर आईडी होंगे, कितने रोटेशनल, कितने नॉन रोटेशनल। तो बोले आईडी का तो हमने पढ़ लिया है ना, ये प्रोविजन सारी पब्लिक कंपनी पर नहीं लगता है, ये हमने पढ़ ही लिया। क्या ये प्रोविजन लिस्टेड पर लगता है और उसी पब्लिक कंपनी पर लगता है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या ज्यादा, बोरोइंग याद किया था हमने, पीटीबी 10, 100, 50 या उससे ज्यादा, ये पढ़ा था ना तुमने। तो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये कहानी हम खत्म कर चुके हैं। हाँ बस मैंने आपको रिकॉल करवाया है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, जैसे मैं बोल रहा हूं ना ये प्रोविजन सब पे लगते हैं, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले प्रोविजन सारी पब्लिक कंपनी पर, ये सब पे लगेंगे। इसके लिए मैं आपको लिस्टेड अनलिस्टेड कोई डिफरेंस नहीं करूंगा, ना पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया है ना कुछ है, ये रोटेशनल और नॉन रोटेशनल वाले प्रोविजन ये सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। बट हां आईडी अगेन प्राइवेट पे तो नहीं लगता, ये देख लिया था हमने, कौन सी पब्लिक कंपनी पर वो भी देख लिया था हमने। तो फिर हमें हमारी कंपनी के हिसाब से सबसे पहले क्या अलग कर देंगे? आईडी, फिर उसके बाद देखेंगे रोटेशनल कितने हैं, नॉन रोटेशनल कितने हैं। ये समझ में आ गया अपने को? चले अब क्या बोला है कि आईडी तो हमने पढ़ लिया था कि अगर कौन सी कंपनी है लिस्टेड तो 1/3 क्या होंगे? आईडी। बट अगर कैसी है तो कम से कम दो डायरेक्टर कैसे होंगे? आईडी। ये पढ़ा था ना बनने। अब बोलो रोटेशनल और नॉन रोटेशनल कितने होंगे? बोलो बच्चों क्या बोला है? तो बोला है रोटेशनल डायरेक्टर के लिए क्या बोला है? बोले टोटल डायरेक्टर जो है कंपनी के, बोलो बच्चों क्या है जो, उसमें से सबसे पहले आईडी को हटाओ। टोटल डायरेक्टर जो है कंपनी के, उसमें से सबसे पहले आईडी को हटाओ, है ना। एंड फिर जो डायरेक्टर है वो बोला है कि उसका कम से कम 2/3, उसका कम से कम क्या माने जाते हैं? एलआरआर। क्या माने जाते हैं? एलआरआर। ठीक है, वापस से अब मैं पूरा प्रोविजंस बता रहा हूं, है ना। बोले कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी जो है वो अपने में, मतलब चाहे तो प्रोविजन रख सकती है। क्या प्रोविजन? कि जितने भी डायरेक्टर हैं, बोलो बच्चों जितने भी, वो हर साल, वो हर साल कहां पर? एजीएम में। कहां पर? क्या होंगे? रिटायर। मैं चाहूं तो मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन रख सकता हूं मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं मेरे, वो हर साल एजीएम में क्या होंगे?
मतलब मेरे को नॉन रोटेशनल रखना ही नहीं है, मेरे को क्या नहीं रखना है, मेरे तो सारे डायरेक्टर हर साल क्या होंगे, रिटायर। तो सारे डायरेक्टर का मतलब यही है, टोटल डायरेक्टर में से पहले क्या हटा दो आप आईडी, क्योंकि आईडी का तो एक्ट में ही लिखा है कि वो क्या नहीं होगा, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। पढ़ा ना बेटा अभी अपन ने कि आईडी क्या नहीं होगा, एसएसडी भी हटा दे इसमें से क्योंकि वो भी क्या नहीं होगा, बाकी सब तो क्या होंगे। अब टोटल डायरेक्टर में से हमने आईडी हटाए है ना, जैसे मान लो कंपनी है रिलायंस है ना, कौन सी कंपनी बेटा, 15 डायरेक्टर है रिलायंस कंपनी है, कितने डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर हैं है ना, एंड 15 में से बोला है कि तीन डायरेक्टर कैसे हैं आईडी, 15 में से चलो ये लिस्टेड हो गई, तो वन थर्ड डायरेक्टर कैसे होंगे आईडी, वन थर्ड डायरेक्टर कैसे होंगे, तो 15 का वन थर्ड आईडी हो गए, मतलब कितने, पांच। तो हमने पांच तो इसमें क्या कर दिए आईडी, कितने में से, वेरी गुड, कितने में से, पांच तो क्या कर दिए, तो ये पांच तो गए, बचे कितने, अब वो 10 इन दो कैटेगरी के हैं, 10 वो, अब कितने इस 10 में से रोटेशनल होंगे, कितने इस 10 में से कितने और कितने बोले हम वो देख सकते हैं। तो रिलायंस ने आर्टिकल में प्रोविजन रखा मेरे तो सारे डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, तो 10 के 10 डायरेक्टर कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे 10 के 10 डायरेक्टर कैसे हो जाएंगे, मेरा एक भी नॉन रोटेशनल नहीं रखना, बोले मत रख। वापस से, कंपनी चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, कंपनी अगर अगर उसकी इच्छा श्रद्धा और, तो वो कहां पर अपने, कहां पर अपने प्रोविजन रख सकती है कि जितने भी वो हर साल वो कहां पर क्या होंगे रिटायर। तो मेरी कंपनी में नॉन रोटेशनल डायरेक्टर ही नहीं होगा, मेरी कंपनी में सारे डायरेक्टर रोटेशनल हो जाएंगे और मैं हर साल एजीएम में सारे डायरेक्टर्स को क्या करूंगा, रिटायर। और अगर वो क्या है एलिजिबल, क्या है Eligible. तो उनका हो जाता, वहीं पर ही हो जाता है जब तक कि डिस्क्वालिफाइड ना हो। कंडीशंस पढ़ेंगे अपन, बट माइंड सेट करके रखें, ऐसा नहीं है कि ये रिटायर हो रहे हैं तो जा ही रहे हैं, नहीं। बट हाँ, इन्होंने अगर ढंग से काम नहीं किया, शेयर होल्डर को नहीं जम रहा है, तो इन्हें रीअपॉइंट नहीं करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली इनका रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर रिटायर हो भी रहे हैं तो। बट हाँ, फिर प्रोविजन क्यों रखें, तो बोले हर साल है ना शेयर होल्डर को ये अपॉर्चुनिटी दो कि वो डायरेक्टर्स का कैंडिडेचर क्या कर सके, चेक, वो ये देख सके ये भाई ढंग से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अगर वो उसके परफॉर्मेंस से क्या है सेटिस्फाइड, तो क्या वो उसका रीअपॉइंटमेंट करेंगे, ऑब्वियसली। बट अगर वो उसके तो रीअपॉइंटमेंट करेंगे, करना भी चाहिए क्या, ऑब्वियसली यार। तो डायरेक्टर ये ना समझे कि उसकी पोजीशन कैसी है, परमानेंट है। पॉइंट आ गया पहला समझ में, चले लास्ट टाइम बोलेंगे, कंपनी चाहे तो अपने क्या रख सकती है, क्या प्रोविजन रख सकती है कि हर साल, अगर अच्छा मैं है ना ये प्रोविजन रखे जरूरी है क्या, अगर ऐसा कोई प्रोविजन कहां नहीं था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अगर ऐसा प्रोविजन कहां नहीं था, तो फिर यह दिया है क्या कि जो टोटल डायरेक्टर हैं उसमें से क्या हटाओ आईडी, एंड उसका एटलीस्ट क्या माने जाएंगे एलआरआर। तो पहले तो आपको आर्टिकल चेक करना पड़ेगा, क्या आर्टिकल में लिखा है सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे, हां तो खेल ही खत्म। बोले आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो फिर कंपनी एक्ट का 150 क्या बोला अपन ने कि अगर आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन, तो फिर क्या, तो फिर एक्ट का प्रोविजन लग जाएगा। और एक्ट क्या बोल रहा है कि टोटल डायरेक्टर में से किसको हटा दो पहले, और उसका जो वो हर साल एलआरआर माना जाएगा, एटलीस्ट 2/3 क्या माना जाएगा एलआरआर, कम से कम 2/3 आपको क्या माना जाएगा एलआरआर।
तो अपनी कंपनी में डायरेक्टर कितने थे? तो बोले 15 थे. उसमें से आईडी कितने निकाले थे? 5. कितने बचे? 10. 10 का क्या निकालेंगे? कितना यहां? नहीं बच. तो इस 10 में से कम 60 डायरेक्टर, इस 10 में से कम क्या माने जाएंगे? रोटेशनल डायरेक्टर. क्या माने जाएंगे? तो 15 में से 5 कैसे? कितने बचे? 10. 10 में से 7 रोटेशनल. कितने बच गए? नॉन रोटेशनल. बट अगर मैंने ये प्रोविजन लिख दिया कि सारे के सारे क्या होंगे हर साल, हाँ, तो पूरे 10 के 10 रोटेशनल, नॉन रोटेशनल कोई भी नहीं. ये पॉइंट आया समझ में? हो जाएगा ये? चलिए रिपीट करें. क्या बोला है? कंपनी अपने आर्टिकल में प्रोविजन रख सकती है. क्या? तो हर साल ही रिटायर हो जाएंगे. बट अगर ऐसा प्रोविजन, तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग आईडी, एटलीस्ट 2/3 ऑफ एक्सक्लूडिंग विल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. ये समझ में आया? 2/3 के कैलकुलेशन में अगर फ्रैक्शन आता है, नेक्स्ट हैंड नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. मैथ्स का प्रिंसिपल, आधे से कम हो चाहे, हां उसे क्या करेंगे? नेक्स्ट हायर नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे. ये समझ में आया? जैसे मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड. कौन सी कंपनी बेटा? अनलिस्टेड कंपनी है. 14 डायरेक्टर है. अनलिस्टेड कंपनी है, कितने डायरेक्टर हैं? 14 डायरेक्टर. अब मेरे को देखना है इसमें से इंडिपेंडेंट कितने हैं, रोटेशनल कितने, नॉन रोटेशनल कितने हैं, है ना? तो एक तो इसमें ये लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? तो अनलिस्टेड में कम से कम 2 क्या होते हैं? आईडी, है ना? तो मैं एज्यूम कर लूं कि इसमें भी 2 ही होंगे. हाँ, और नहीं तो क्वेश्चन में लिखा हो कुछ ना कुछ. नहीं भाई, हो सकता है इसने 3 कर रखे हो, बट क्या मुझे सपना आएगा? तो मैं तो प्रोविजन के हिसाब से चलूंगा. वो प्रोविजन क्या बोलते हैं? कम से कम 2. चलो लिस्टेड में तो मैं 130 करूंगा, बट ये बोल रहा है लिस्टेड में भी मैंने ज्यादा रख रखे तो कोई दिक्कत थोड़ी है. तो फिर लिखो क्वेश्चन में अगर ज्यादा है तो. और अगर क्वेश्चन में लिखा तो जो एक्ट में लिखा मैं तो वही मानूंगा ना. तो मैंने बोला अनलिस्टेड कंपनी, तो मेरा माइंड वहीं सेट हो जाना चाहिए. इसमें कम से कम डायरेक्टर क्या होना चाहिए? और नहीं तो क्वेश्चन में जैसा लिखा हो बट 2 से कम तो नहीं चलेगा. तो मान लिया 14 में से 2 क्या हो गए? आईडी. अब अपने को क्या देखना है? रोटेशनल. क्या देखना है? तो रोटेशनल के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे? बोलो बच्चों, अगर आर्टिकल में प्रोविजन है ना, क्या हर साल? तो 12, 14 में से 2 गए, कितने बचे? 12. 12 के 12 हर साल क्या हो जाएंगे? मतलब नॉन रोटेशनल कोई भी. बट अगर ऐसा प्रोविजन, तो मुझे रोटेशनल और नॉन रोटेशनल दोनों देखना पड़ेगा. तो रोटेशनल के लिए क्या बोला? टोटल डायरेक्टर. टोटल डायरेक्टर कितना? 14. माइनस करा आईडी. आईडी कितने? 2. कितने बचे? 12 का कितना आया? कितना आया? 8 क्या हो जाएंगे? कितने में से? 12 में से. तो बच कितने गए? वो क्या होगा? नॉन रोटेशनल. ये पॉइंट आ गया समझ में? तो रोटेशनल नॉन रोटेशनल कैसे निकालना है ये समझ में आ गया अपने को? कर लोगे बेटा इसको? रोक, है ना? अब आगे हमें बोला है कि जो डायरेक्टर रोटेशनल है, बोलो बच्चों क्या है जो डायरेक्टर? क्या वो 2/3 है? हाँ? तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि नॉन रोटेशनल कितने हैं? नहीं, ये मतलब हुआ ना इनडायरेक्टली. आईडी भी कितने हैं? हाँ, बट वो टोटल में से माइनस कर देते हैं अपन, तो 1/3 बार बार आएगा. तो मैं कौन सा 1/3 बोल रहा हूं वो ध्यान रखना है, है ना? अब इसको तो अपन हटा देते हैं, इसका तो एक भी प्रोविजन नहीं हम, क्योंकि ये पूरा पढ़ चुके हैं अपन. अब प्रोविजन किसके हैं? पहले वो 2 लाइन के, उसको खत्म कर देते हैं अपन. तो बोले नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का क्या? तो बोले कि, है ना, आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, बोलो बच्चों आप अपने
इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनके रीअपॉइंटमेंट के बारे में, सबके बारे में कहां प्रोविजन रख सकते हो आप अपने? बट अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होगा कहां? जनरल मीटिंग। कहां होगा? अगले पेज पर देखो, रिमेनिंग 1/3 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी मिला, दो लाइन का होगा। मैंने पहले वो पॉइंट बताया, पीछे का भी बताता हूं, है ना। तो ये जो रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब रोटेशनल को हटाकर कौन से डायरेक्टर बचे हैं जो, समझ में आ रहा है ना। तो अब मैं जो प्रोविजन बताऊंगा वो केवल इसके बताऊंगा, जो पीछे वाले पेज पर हमने प्रोविजन छोड़े ना वो इसके। अभी हम पढ़ते हैं, पहले ये एक लाइन का इसको खत्म कर देते हैं। तो क्या बोला है कि जो आपने अभी केवल उनका नंबर देखा है कि वो कितने होंगे और कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, अभी उनके अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजन नहीं देखे। तो बोल दिया है, क्या लिखा है, इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कहां अपॉइंट किए जाएंगे? जनरल मीटिंग। पढ़ो वो दो लाइन फटाफट से, क्या लिखिए, रिमेनिंग 1/3 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, हां क्या लिखा है, इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर आगे ऑल्सो बी अपॉइंटेड जनरल मीटिंग। ये चीज आई समझ में? ओ बच्चों, पक्का ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को, है ना। चले अब इसमें शेल को अंडरलाइन करो, सेकंड लाइन में लिखना पब्लिक कंपनी शेल, मतलब ये कंपलसरी है, शेल लिखा है ना इसमें, लिखा है ना कि द पब्लिक कंपनी शेल इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। इन डिफॉल्ट ऑफ मतलब कि अगर कोई प्रोविजन हो तो वो कंप्लाई कर लेना, वो नहीं हो तो मत करना। बट अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट तो कहां होगा? जनरल मीटिंग में डिसीजन कौन लेता है? मतलब वही लेंगे और कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आईडी की कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉन रोटेशनल कितने होंगे? 1/3 से कम हो सकते हैं? हाँ। 1/3 से ज्यादा हो सकते हैं? एक भी नहीं हो नॉन रोटेशनल? अरे बता दिया ना, नॉन रोटेशनल एक भी नहीं हो चलेगा क्या? क्योंकि हम तो आर्टिकल में लिख सकते हैं सबको रिटायर करेंगे अगर हम, तो नॉन रोटेशनल तो एक भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर है तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 1/3 से कम, इवन इतने कम हो सकते हैं कि हो ही ना, चलेगा हमको। बट अगर है, अगर आपके पास क्या है, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट और बोलो ना कहां होगा, कौन करेंगे? शेयर होल्डर करेंगे। ये समझ में आ गया पक्का? अब मैं इनके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, इनकी कहानी भी खत्म हो गई। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? किसका पढ़ेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर का पढ़ेंगे। इनकी कहानी भी अब खत्म हो चुकी है, क्लियर हो रहा ना। आईडी हमने खत्म कर दिया 149 4 से लेकर 13 तक में, ये खत्म हो गया नॉन रोटेशनल, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो ये LRR है, क्या है बेटा? रोटेशनल डायरेक्टर क्या है? LRR। LRR मतलब लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो हमने बोला जो डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होता है, जो डायरेक्टर वो हर साल AGM में, वेरी गुड, हर साल AGM में एलिजिबल है, तो उसका वापस से बोलो, जो डायरेक्टर, हाँ वो हर साल AGM, मैं जनरल मीटिंग नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं यहां मैंने केवल, तो इट मे बी AGM और EGM। यहां मैंने कौन सा वर्ड लिखा केवल? तो इट मे बी AGM और EGM। देखो वहां जनरल मीटिंग ही लिखा होगा केवल। बेटा इंटरप्रेट करना सीखें, केवल वर्ड कौन सा दिया है? इट इंक्लूड्स AGM, EGM, बट इफ स्पेसिफिकली AGM इज रिटन,
तो एजीएम, फिर दूसरे के बारे में दिमाग नहीं लगाना, स्पेसिफिकली ईजीएम लिखा है तो ईजीएम, फिर दूसरे के बारे में दिमाग नहीं लगा, बट क्या लिखा है यहां, क्योंकि एलआरआर में एजीएम लिखा हुआ मिलेगा आपको साफ साफ, ठीक है। तो क्या बोला है, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट जितनी भी क्या होगी एजीएम, है ना, मिला पॉइंट आपको, चौथा या पांचवा पॉइंट है, फोर्थ वाला, एट द फर्स्ट एंड एवरी और एजीएम ऑफ, अब देखो बार बार ये पब्लिक कंपनी बोल रहे ना, इसलिए तो मैंने बोला है प्रोविजन केवल, अगर दोनों पे लग रहे होते तो केवल कंपनी लिखा होता, दोनों पे लग रहे होते तो केवल, इंटरप्रेट करना सीखें कि केवल कंपनी लिखा मतलब सॉरी कंपनी जितनी भी कंपनीज एक्ट में दी है, केवल प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट, केवल पब्लिक लिखा है पब्लिक, ओपीसी लिखा है ओपीसी, स्मॉल लिखा है स्मॉल कंपनी, तो ये किस पे लग रहा है, सारी पब्लिक कंपनी, ये समझ में आया। तो पहली और बात की जितनी भी क्या है एजीएम है, पहली और बात की जितनी भी क्या है उसमें जो डायरेक्टर क्या होता है, क्या होता है वो, क्या हो जाता है रिटायर, क्या हो जाता है, और अगर उसका, अगर वो एलिजिबल है, अगर वो तो उसका, फिर से बोलेंगे क्या बोला है, जो डायरेक्टर क्या होते हैं वो हर साल, चाहे पहली एजीएम हो चाहे बाद की कोई भी एजीएम हो, हर साल एजीएम में, हर साल एजीएम में, और अगर वो क्या है, क्या है तो उनका री अपॉइंटमेंट कर देंगे, करें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बोले सारे के सारे हर साल रिटायर होंगे क्या, बोले सारे के सारे हर साल रिटायर होंगे क्या, तो बोले इसके लिए, इसके लिए प्रोविजन ये दिया है कि जो डायरेक्टर एलआरआर हैं, जो डायरेक्टर क्या है उसका आप निकालोगे वन थर्ड, ये बार बार वन थर्ड आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये नया वन थर्ड है, वहां पे भी मैंने वन थर्ड लिखा है, उस वन थर्ड और इस वन थर्ड में कंफ्यूज मत होना, इसकी कहानी मैं खत्म कर चुका हूं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये वन थर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको टू थर्ड का वन थर्ड निकालने की बोल रहा हूं। बोले क्या मतलब हुआ, जैसे हमारी कंपनी में टोटल डायरेक्टर हैं 13, कितने डायरेक्टर हैं 13 डायरेक्टर हैं, या मान लो चलो टोटल डायरेक्टर हैं 14, तो पॉइंट आया समझ में। अब 14 में से सबसे पहले हमने क्या हटाया, आईडी, कितने बचे 12, 12 क्या है, 12 क्या है, तो 12 एलआरआर है, है ना। अब हमने क्या बोला, अगर आर्टिकल में लिखा तो 12 के 12 एलआरआर है, नहीं तो 12 का क्या निकाला हमने, क्या निकाला हमने, कितना आया इसका वन थर्ड निकालना है, समझ में आया। जो डायरेक्टर एलआरआर है, जो डायरेक्टर उनका वन थर्ड हर साल रिटायर होगा, एक्चुअली सारे के सारे एलआरआर डायरेक्टर हर साल रिटायर नहीं होंगे, या तो आपने आर्टिकल में प्रोविजन रखा है कि सारे के सारे रिटायर होंगे तो टू थर्ड और वन थर्ड निकलना ही नहीं है, ये वाले डायरेक्टर होंगे ही नहीं हमारे पास फिर तो, बट अगर हमने ऐसा, तो पहले हमने एलआरआर कितने होते हैं वो निकाल लिया, पहले हमने क्या एलआरआर कितने होते हैं वो निकाल लिया, ये समझ में आया। अब हमने निकाला एलआरआर कितने हैं 8, तो जितने डायरेक्टर एलआरआर हैं, जितने डायरेक्टर उसका एक्चुअली रिटायर होंगे, अभी तो ये लायबल थे, लायबल थे मतलब इनकी ड्यूटी बनती है कि ये रिटायर हो, तो बोले यार ये तो 8 है, तो 8 में से कौन एक्चुअली हर साल 8 की 8 की 8 में से कौन, तो बोले जो डायरेक्टर एलआरआर हैं, जो डायरेक्टर उसमें से हर साल क्या होंगे, ये समझ में आ रहा अपने को। जैसे मान लो एक पब्लिक कंपनी है, है ना, कौन सी कंपनी बेटा, पब्लिक कंपनी है, अब पब्लिक कंपनी के अंदर 11 डायरेक्टर हैं, कितने, तो सबसे पहले क्या हटाएंगे उसमें से आईडी, मान लिया हमने कितने हैं 2, कितने बचे 9 का क्या निकाला, कितना आया, ये 6 एलआरआर हैं, ये 6 एक्चुअली हर साल रिटायर नहीं होंगे,
ये छह रिटायर तो होंगे बट जब इनका नंबर आएगा, अब बोले किसका नंबर पहले आएगा, तो बोले जो एलआरआर थे ना उनका वन थर्ड निकाले। एलआरआर कितने थे, उसका क्या निकाला, पहले साल दो, दूसरे साल दो, तीसरे साल दो, ऐसे दो दो करके क्या हो जाएंगे, रिटायर। अब छह में से कौन से दो पहले जाएंगे वो मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, जितना मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ, आगे का मत सोचो, मैं सब बता दूंगा। फिर भी कोई पॉइंट पूछना है पूछ लेना, बट मैं पूरा प्रोविजन कर दूं उसके बाद। पहले ये समझ में आ रहा है, वन थर्ड, ये वन थर्ड और इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था वन थर्ड बहुत आएगा। ये हमने टू थर्ड का भी क्या निकाला है, वन थर्ड। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को, चले देखें। तो जैसे हम ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, कौन सी कंपनी है, कितने डायरेक्टर थे, सबसे पहले क्या आए, कितने आए, नो। अब क्या चेक करेंगे, आर्टिकल, क्या सबके सबको रिटायर करना है, तो आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा टू थर्ड और वन थर्ड करने का, सबके सबको हर साल रिटायर कर दो। बट अगर ऐसा प्रोविजन, तो हमने क्या बोला था, कम से कम क्या होगा, एलआरआर, तो हमने नो का क्या निकाला, कितना आया, छे, छे क्या मानेंगे, ये लायबल है जब इनका नंबर आएगा तब ये क्या हो जाएंगे, रिटायर। ये लायबल है जब इनका, तब क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब बोले नंबर निकालने के लिए क्या करें, तो बोले जो एलआरआर है ना उसका क्या निकालो, कितना आया, कितना आया, तो बोले हर साल कितने डायरेक्टर क्या होंगे, और अगर वो एलिजिबल हैं, अगर वो, तो उनका रीअपॉइंटमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये जो छह डायरेक्टर थे, कौन कौन थे, ए बी सी डी ई और एफ, जो हमारे छह डायरेक्टर क्या थे, एलआरआर, हमारे जो छह डायरेक्टर क्या थे बेटा, वो कौन छह थे। अब हमने बोला छह में से दो क्या होंगे, रिटायर, छह में से दो क्या होंगे, कौन से दो, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो फिर प्रोविजंस दिया है, अ पर्सन हु हैज बीन लॉन्गेस्ट एट हिज ऑफिस विल रिटायर फर्स्ट। सिंपल वर्ड में, जो पहले आया था कंपनी में की दुनिया में, कंपनी में, दुनिया में नहीं, काय में, कंपनी में। जैसे शर्मा जी कंपनी में है, वो 58 साल के हैं, राहुल भी कंपनी में, वो 30 साल का है, दुनिया में पहले कौन आया, बट राहुल पहले कंपनी में अपॉइंट हुआ तो पुराना कौन है, कंपनी में की दुनिया में। जो पहले आया था ना, फीफो मेथड के बारे में सुना, फर्स्ट इन वही लगेगी। जिसका अपॉइंटमेंट कंपनी में पहले हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, विल रिटायर फर्स्ट, ठीक है। बोले सबका अपॉइंटमेंट एक ही डेट पर हुआ है, सबका अपॉइंटमेंट, तो बोले काम कर उनमें म्यूचुअल कंसेंट देख ले, क्या देख ले, उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है क्या, छह आपसे सहमति से किसी दो को रिटायर कर रहे हैं क्या, जैसे बिग बॉस में करते हैं ना आपसे सहमति से, तो बोले छह में म्यूचुअल कंसेंट है क्या, कि म्यूचुअल कंसेंट से इस बार ए और बी को कर देते हैं, क्योंकि घबराने की बात नहीं है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, रीअपॉइंटमेंट। बट अगर आपने कुछ गलत तो जरूर घबराने की बात है, ये समझ में आया। चलो नहीं था, एक ही डेट पर आए थे तो हमने क्या करा, म्यूचुअल कंसेंट से ए और बी को रिटायर कर दिया, फिर अगले साल म्यूचुअल कंसेंट से सी और डी चले गए, फिर अगले साल म्यूचुअल कंसेंट से ई और एफ चले गए, कोई टेंशन नहीं। तीसरा, बोले म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो रही है, म्यूचुअल कंसेंट पहला, ये सीरियल से ही चलना है, इसमें इधर उधर नहीं करना, आप स्टेप नहीं तोड़ सकते हो। पहले स्टेप क्या है, फीफो, फीफो क्या, जो पहले
पहले अपॉइंट हुआ था वो पहले रिटायर होगा, आया था तो अपने सिंपल लैंग्वेज में ठीक है समझने के लिए, बट जो पहले वो पहले रिटायर होगा। अब बोले एक ही डेट पर अपॉइंट हुए थे तो वेरी गुड, क्या बोलो? और तीसरा, अगर म्यूचुअल कंसेंट भी तो इन छह के नाम की चिट्ठी डालना, एक छोटे बच्चों को बुलाना, बोले तेरे को चॉकलेट देंगे दो चिट्ठी उठा ले, फिर वो दो चिट्ठी उठा लेगा और जिन दो की उसने वो निकल लेंगे कंपनी से की दुनिया से। ये मजाक में बोला मैंने, लॉट निकलेगा, छोटा बच्चा बुलाए जरूरी नहीं है ना। तो हम क्या निकालेंगे? विल ड्रॉ अ लॉट, लॉटरी सिस्टम रहेगा, छह के नाम की क्या डालेंगे? चिट्ठी, और जो दो चिट्ठी निकल गई वो इस बार कंपनी से निकल लेंगे। बेटा छोटे बच्चे का मैंने वैसे मजाक में बोल दिया था, लिख मत देना, चॉकलेट देंगे छोटा बच्चा है ना, वो थोड़ा समझ के रखना। तो हम क्या निकालेंगे बेटा? लॉटरी, विल ड्रॉ अ लॉट। लॉटरी में तो डिसीजन आ ही जाएगा, फिर तो जबरदस्ती, फिर आपकी इच्छा चल नहीं है। अरे आया समझ में कि नहीं आया? अब प्रैक्टिकली पूरा क्वेश्चन करते हैं इसी एग्जांपल को लेकर। चले, कंपनी में कितने डायरेक्टर? हाँ, ए से बढ़ो 11 तक, बहुत सही जा रहा हो, बहुत सही जा रहे हो। के सर्वसहमति से पक्का? तो ए से लेकर के तक हमारे पास कितने डायरेक्टर हैं? तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, इसमें से दो क्या है, इसमें से नौ क्या है रोटेशनल, इसमें से तीन क्या है, ये तो हमने निकाल दिया ना कि 11 में से हमने दो माइनस कर दिए आईडी, बोलो। फिर टू थर्ड निकाला रोटेशनल, फिर बंद, ज्यादा हो गया क्या? अच्छा छह आएंगे ना, हाँ मैं वही बोलूं, तीन आएंगे ना, छह और दो आठ और तीन 11, ठीक है। वो मेरे को नौ दिख गया तो मैंने नौ लिख दिया। चले यहां तक क्या नहीं समझ में आई? वो पागलो, तो 11 में से दो कौन से दो? कोई से भी दो। कौन से छह रोटेशनल है? कोई से भी छह। कौन से तीन? इनके अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता बेटा, हमें एक एक चीज लॉजिकली प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए इनके अपॉइंटमेंट। अबे जब अपॉइंट करोगे तभी बता दोगे तू इंडिपेंडेंट है, तू रोटेशनल है, तू तू तो इंसान ही नहीं है, ये बता देंगे। कब बताएंगे? हाँ, तो अब जैसे मालूम पड़ा कि के पहले क्या आता? जे, पक्का? हाँ, तो जे और के क्या है मान लो? आईडी, ठीक है, और ए बी सी डी ई और एफ क्या है, और जी एच आई क्या है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने बताया ना, इनके अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को? अब इसकी कहानी खत्म, हम देख ही नहीं रहे, इनकी कहानी खत्म, हम देख ही नहीं रहे, हमारे प्रोविजन केवल। अब हमने बोला छह क्या हो गए? रोटेशनल। कैसे मालूम पड़ा इनके अपॉइंटमेंट की? मान लो हमारी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, हमारी कंपनी कैसी है? ये सबके सब फर्स्ट डायरेक्टर, सबके सब क्या है, मतलब सबके अपॉइंटमेंट की डेट भी सेम है, सबके अपॉइंटमेंट की क्या है। अब हमें बोला कि इस छह में से ये छह क्या है? एलआरआर, बोलो बच्चों, ये छह क्या है? इसका कितना, इसका कितना हर साल क्या होगा? रिटायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, छह में से कौन से दो? उसके लिए वो तीन पॉइंट चलेंगे, छह में से कौन से दो, इसके लिए वो। पहला पॉइंट क्या? वेरी गुड, पहला पॉइंट क्या? जो पहला आया था वो। अब ये कंपनी है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, 2021 में बनी है, ये कंपनी क्या है?
ये 2000। अब इसकी, अच्छा ये कहां जाएंगे बेटा, एजीएम में कहां जाएंगे? अब इसकी फर्स्ट एजीएम हो रही है 2022 में। इसकी फर्स्ट एजीएम कब हो रही है? तो इन छह में से हमें किसी दो को रिटायर करना है। कौन से दो? सभी एक ही डेट पर आए हैं तो वेरी गुड। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल कंसेंट से है ना, मालूम पड़ा म्यूचुअल कंसेंट हो ही नहीं पा रही है। तो हमने छह के नाम की क्या डाली? चिट्ठी डाली, चिट्ठी डाली। मान लो ए और बी की चिट्ठी निकल गई, तो 2022 की एजीएम में, 2022 कौन रिटायर हो जाएंगे? एलिजिबल हैं। इनका क्या हो जाएगा अगर किसने चाहा? शेयर होल्डर चाहे, ये जरूरी वो चाहेंगे तो रीअपॉइंटमेंट कर देंगे। ये पॉइंट आया समझ में? अब एजीएम तो हर साल होती है, 22 की एजीएम होगी, अब किसकी होगी? फिर 23 में चेक करना पड़ेगा यहीं से कितने डायरेक्टर थे। जैसे गब्बर सिंह ने पूछा था ना, कितने आदमी थे, हम यही पूछेंगे कितने, कौन सी डेट पर? एजीएम की डेट पर। कौन सी डेट पर? तो बोला कितने, तो सरदार उसमें से दो तो क्या हैं, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको बाहर कर दो। कितने बच गए? नो। नो का क्या निकाला? टू थर्ड। तो कितना आया? इन्हीं का बिगाड़ना अपने को, जो भी बिगाड़ना है ठीक है। अब छह में से हमने क्या निकाला, तो कितने रिटायर करने हैं? कौन से दो? जो पहले आए थे वो पहले। अब देखो आप, ए और बी तो 22 के हैं, हाँ, क्योंकि 21 के बाद इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ? ये 22 के हैं, जबकि सी डी ई और एफ कब के हैं? आप समझे? तो इस बार इन चार में से दो जाएंगे, इस बार ए और बी वो पहले ही जा चुके हैं एक बार, उनका नंबर आ चुका है। अब नंबर किसका है? सी डी ई और एफ में से, वही देखेंगे जो पहला आया था वो पहले। बोले चारों एक ही डेट के, तो क्या करें? चलो मान लो म्यूचुअल कंसेंट से, चारों के म्यूचुअल कंसेंट से इस बार कौन? सी और डी क्या हो गए? रिटायर। क्या हो गए? क्या है? वेरी गुड। क्या है? क्या कर लेंगे इनका? क्या कर लेंगे इनका? फिर 24 में एजीएम होगी, हर साल एजीएम होगी। फिर 24 में एजीएम के डेट पर देखा कितने डायरेक्टर थे? 11। बोलो सरदार, कितने डायरेक्टर थे? उसमें से दो, उनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, उनको छोड़ दो। कितने बचे? नौ। नौ का क्या निकाला? टू थर्ड। ये एक्सरसाइज हर साल करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल एजीएम के डेट पर 11 डायरेक्टर हो जरूरी नहीं है, 10 भी हो सकते हैं, 12, 13, 14 भी हो सकते हैं। इसलिए मैं वापस से एबीसीडी चालू करवा रहा हूं, समझ में? हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि जो है वो हो ही जाएगा, जैसा कि 99% केसेस में होता है। तो हमने देखा 11 में से किसको भगाया पहले? आईडी को। कितने बचे? 9। 9 का क्या निकाला? कितने आए? 6। तो 6 का क्या निकाला? फिर दो जाएंगे इस बार। कौन से दो? जो सबसे पहले, वो सबसे पहले क्या एक ही डेट पर आए थे? नहीं। अब क्या है? ए और बी तो 22 के हैं, सी और डी और सबसे पुराने 21 के कौन बचे? कौन बचे? तो इस बार ना आपको म्यूचुअल कंसेंट देखनी, ना चिट्ठी निकालनी है। इस बार सीधे सीधे से कौन जाएगा? ये रोटेशन पूरा हुआ एक, जब हमने एक बार एटलीस्ट सारे डायरेक्टर को क्या कर दिया? रिटायर। ये रोटेशन कितने साल में पूरा हुआ? 3 साल में। रोटेशनल डायरेक्टर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 साल में। 3 साल में एक बार आपका नंबर आएगा ही, चाहे आप गाना गाओ चाहे मत गाओ, कि अपना टाइम आएगा, आएगा। कितने साल में? एक बार आएगा ही, पक्का है। तो जो रोटेशनल डायरेक्टर का साइकिल है, सीक्वेंस है, वो कितने साल में कंप्लीट होता है? इसलिए मैक्सिमम जगह आप देखोगे डायरेक्टर का 3 साल, जैसे एसएसडी में भी कितना लिखा था? 3 साल, 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, बट उसे हर साल रिटायर नहीं करोगे, 3 साल बाद भगाई देना बोले। चलो प्रूव करते हैं, चॉइस हो गई। अब क्या होगी वापस से?
25. क्या बोलेंगे, कितने आदमी नहीं रहे, कितने डायरेक्टर थे, कितने थे उसमें से? सबसे पहले किसको हटाएंगे? दो डायरेक्टर आईडी थे, हटा दिए, कितने बचे? तुम बोलो, तुम्हारा फायदा है, मेरे को तो याद है। नो का क्या निकालेंगे, कितना आया? छह डायरेक्टर हर साल रिटायर होंगे? नहीं, छह का जो कितना आया? हाँ, कौन से दो? अब तो झंझट ही नहीं है, सबसे पुराने कौन है? सीओडी ए और बी है, क्योंकि ए और बी कब के हैं? 22 के। ये सबसे नए, उससे पुराने, सबसे पुराने, तो 25 में कौन जाएगा? पहले कब गए थे? फिर 3 साल में नंबर आ गया 25। ठीक है, 25 के बाद कितने कितने डायरेक्टर हैं? गधों, कितने डायरेक्टर हैं? 11 में से पहले आईडी को हटाएंगे, फिर जो आया उसका आर्टिकल चेक करेंगे, आर्टिकल में सबको भगाना तो सबको भगा देंगे, और नहीं तो कम से कम 2/3, फिर 2/3 आ गया उसका 1/3 निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे नए कौन है? उससे पुराने ईआरएफ, उससे पुराने, तो सबसे पुराने कौन? तो इस बार कौन जाएगा? कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। इसके पहले कब रिटायर हुए थे? अब कब हुए? 3 साल में नंबर आएगा ही। अगर 3 साल में नंबर नहीं आ रहा है, मतलब आपने गलती की। जाया समझ में? ओ पागलों, 24 और 3 27 ई और एफ, फिर 28 29 30, 25 और 3 26 और 3 27 और 3। हर 3 साल में आपका साइकिल पूरा होता है। 3 साल में एक ना एक बार आपका नंबर आएगा ही। गुड क्वेश्चन, इसमें कोई टेंशन नहीं बेटा, जितनी बार रीअपॉइंट करना उतनी बार कर सकते हो। जैसे अपने को आईडी में था ना टेंशन, एक टर्म 5 साल, दूसरी टर्म स्पेशल, तीसरी बार 3 साल का गैप, ये यहां कुछ लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, जिंदगी भर रखे इनको, कोई टेंशन नहीं। बट हर साल क्या करना पड़ेगा? रिटायर जब उनका नंबर आएगा। शेयर होल्डर ने बोल दिया रीअपॉइंटमेंट जितनी बार हो रहा है उतनी बार कर लें। बट हां, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो 50 साल तक हमारी कंपनी में रहेंगे, नहीं। क्यों? रोटेशन से हर साल रिटायर करना जरूरी है, ये परमानेंट डायरेक्टर तो है नहीं, सीधी सीधी सी बात है। अब आया समझ में? जैसे एसएसडी का पढ़ा ना हमने, क्यू 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ही रहेगा, इनका झगड़ा नहीं है ऐसा कुछ भी, इनको जिंदगी भर के लिए रख लो, बट कंडीशन ये है 3 साल में एक बार रिटायर होना। और अगर शेयर होल्डर ने क्या कर लिया, तो जब तक करते जा रहे हैं तब तक करवाते रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं किसी भी तरह का, नो कूलिंग पीरियड रिक्वायर्ड, नो रिमूवल रिक्वायर्ड, अनलेस शेयर होल्डर टेक एनी डिसीजन। ये पॉइंट आ रहा समझ में? हो जाएगा ये कि नहीं होगा? खत्म नहीं हुआ अभी, है ना? मान लो 2030 की एजीएम है, तीनों वो पागलों, 2030 कौन रिटायर हो रहा है? हाँ, कौन रिटायर हो रहा है? कहां पर? कहां पर? कहां पर? एलिजिबल है तो क्या एजीएम करना जरूरी है? 2030 में नहीं की, एजीएम करने में डिफॉल्ट कर दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। फाउंडेशन में याद हो तो अपन ने तो सेक्शन ही पढ़ा था 97 डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, तो अपन एनसीएलटी के पास पहुंच जाएंगे, मतलब मे बी पॉसिबल कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो क्या करने में। माय क्वेश्चन इज
कि अगर किसी साल में कंपनी ने क्या नहीं की, क्या नहीं की एजीएम करने में, रिटायरिंग डायरेक्टर का क्या होगा? तो बोले एजीएम करने की जो लास्ट डेट थी, बोलो एजीएम का सेक्शन कौन सा, 96 के हिसाब से एजीएम करने की जो, वापस से बोलो 90 एजीएम करने की जो, वो तीन डेट निकालते थे ना अपन, तीनों में से जो डेट पहले हो तब तक करनी होती थी ना, वो हमारी लास्ट डेट होती थी। तो बोले 96 के हिसाब से एजीएम करने की क्या थी जो, उस डेट तक अगर हमने एजीएम, उस डेट तक अगर हमने एजीएम, रिटायरिंग डायरेक्टर ऑफिस वेकेंट कर देगा, उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। एजीएम करने की ड्यूटी किसकी बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। एजीएम नहीं करने में मिस्टेक किसकी है, तो अपनी गलती का वो सहारा ले सकते हैं क्या, सवाल ही नहीं उठता। ये पॉइंट आया समझ में, हाँ वापस से बोलो क्या, कि अगर किसी भी ईयर में अगर क्या एजीएम कंपनी ने, हाँ तो फिर रिटायरिंग डायरेक्टर का क्या होगा, तो बोले एजीएम करने की जो, उस डेट पर वो ऑफिस वेकेंट कर देगा। और अगर उसका ऑफिस क्या हो गया है, आरओसी को बताना पड़ेगा ना डीआईआर 12 फाइल करके कि नहीं, ठीक है वो पागलों। चलो 22 में कौन रिटायर हुआ, मेरा आधा भी नहीं हुआ अभी, ये मान लो चलो आधा हुआ अभी है ना, हाँ डर लग जाता है मतलब है ना। 22 में कौन रिटायर हुआ, एलिजिबल थे, उनका क्या हो गया, आरओसी को बताएंगे, डीआईआर 12 फाइल करेंगे। 23 में कौन रिटायर हुआ, एलिजिबल थे, क्या हो गया उनका, डीआईआर 12 फाइल करेंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, रिटायरिंग डायरेक्टर जब हर साल क्या होता है, वापस से कौन, जब हर साल क्या होता है, तो क्या आरओसी को बताते हैं, नहीं। जब 2021 में इनका पहली बार अपॉइंट हुआ था ना, ओ भैया कब पहली बार अपॉइंटमेंट हुआ था ना, तब हमने डीआईआर 12 फाइल कर दिया था ना, उसमें बताया भाई 6 नालायक क्या हैं, रोटेशनल कैसे हैं, रोटेशनल है ना, तो आरओसी को मालूम है ना ये हर साल टप्पे खाएंगे, एलिजिबल है तो क्या हो जाएगा इनका, जो 99% केस में होता ही है, तो हर बार आपको आरओसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आपने एजीएम और पोस्ट क्या हो गई, वेकेंट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, डीआईआर 12 फाइल करना पड़ेगा। डीआईआर 12 बेटा अपॉइंटमेंट पर भी होता है और चेंज पर भी होता है, डीआईआर 12 दोनों टाइम होता है, समझो अपॉइंटमेंट पर भी होता है और रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो गया था, कोई चेंज ही नहीं हुआ यार, रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हुआ तो चेंज हो गया यार, क्या आया क्या समझ में, बोल के बताओ वापस से क्या बोला। पहले तो अगर किसी ईयर में कंपनी ने, तो उस साल जो रिटायरिंग डायरेक्टर थे वो वेकेंट कर देंगे। फिर जब रिटायरिंग डायरेक्टर क्या हो जाता है, रीअपॉइंट क्या हो जाता है, तो हमें हर बार आरओसी को डीआईआर 12 फाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीआईआर 12 कब जाता है, अपॉइंटमेंट पर और चेंजेस पर। जाया क्या समझ में, जे कर लोगे क्या। अब 2030 की एजीएम हुई है, कब की एजीएम, कौन रिटायर हो रहा था, हाँ ये फोर है 2030 में पक्का, वापस से कब की एजीएम है, कौन रिटायर हो रहे थे, क्या हमने एजीएम करी, क्या हमने एजीएम करी। अब इनके रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन कौन लेगा, वेरी गुड, क्योंकि जनरल मीटिंग में सारे डिसीजन शेयर होल्डर लेते हैं, नहीं कहां पर बेटा,
जनरल मीटिंग में सारे डिसीजन कौन लेते हैं? तो इनका रीअपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय, नहीं समझे आप? क्या बोल के बताओ? सब चीजें कौन डिसाइड होगा? नहीं। अब एजीएम हुई, क्या हुई बेटा? बट शेयर होल्डर ने कोई डिसीजन नहीं लिया, किसके लिए? रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए। हम सारी पॉसिबिलिटीज खोज रहे हैं। पहला हम पॉजिटिव गए थे, रिटायर था, एलिजिबल था, रीअपॉइंटमेंट कर दिया। दूसरा एजीएम ही नहीं की, पोस्ट खाली। तीसरा एजीएम तो हुई बट शेयर होल्डर डिडंट टेक एनी डिसीजन। बोले क्या डिसीजन लेना है? बोले इनमें से एक चीज डिसाइड कर लो। पहला, या तो ये एक्सप्रेसली डिसीजन लो कि रिटायरिंग डायरेक्टर को क्या करना है, रीअपॉइंट। वापस से बोलो, क्या एक्सप्रेसली डिसीजन ले? फिर से बोलो, क्या एक्सप्रेसली डिसीजन ले? या एक्सप्रेसली ये रेजोल्यूशन पास कर दो कि रिटायरिंग को रीअपॉइंट नहीं करना है। जबरदस्ती नहीं है कि आप उन्हें रीअपॉइंट करो, जबरदस्ती क्या है, डिसीजन लो। तीन में से कुछ एक काम कर लो, रिटायरिंग डायरेक्टर को क्या कर लो, साफ साफ बोल दो रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट, या रिटायरिंग के प्लेस पर किसी और को ले आओ, हमें कोई टेंशन नहीं, हमारी इच्छा नहीं है कि इस बार ई और एफ आए, हम शर्मा जी वर्मा जी लिया, हमारी इच्छा ई तो आ जाए बट एफ नहीं आए, तो हम ई को कर लेंगे, एफ की जगह दूसरे को ले आएंगे, बट कुछ तो करो, खाली मत छोड़ो। तीन में से एक काम करना जरूरी है। पहला, या तो रिटायरिंग को आप क्या कर दो, हमें टेंशन नहीं, आप डिसीजन लो, यू आर दी ओनर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम तब है जब आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो हम क्या करें, हमारे लिए तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, हम क्या भरें उसमें। तो बोला तीन में से एक डिसीजन ले लो। पहला, पहला क्या, या तो आवाज नहीं आ रही, रिटायरिंग को क्या कर दो, रीअपॉइंट, या दूसरा एक्सप्रेसली ये रेजोल्यूशन पास कर दो कि हमें तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट, इनफैक्ट हमें तो किसी को नहीं करना, हम तो 11 की जगह नई डायरेक्टर रखेंगे, बहा दो इन दो को, आप कर लो, आपकी इच्छा, आपकी कंपनी, यू हैव टू टेक डिसीजन कि आपको कितने डायरेक्टर रखना। और नहीं तो बोले यार ये नहीं जम रहा यार, अपन तो दूसरे को लाएंगे, ला ना, कोई टेंशन थोड़ी, बट डिसीजन ले। समझ में आ रहा है क्या? तीन में से एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बे। कौन कौन से तीन चीज बोलो? या तो आप क्या करो, रिटायरिंग डायरेक्टर है ना, वो पागलों क्या है जो, उनको क्या कर लो, रीअपॉइंट, या दूसरा उनकी जगह किसी, या तीसरा किसी को भी मत करो बट बोलो। आखिर कब तक चुप रहोगे, बोलो। जाया समझ में? तीनों में से अगर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तीनों में से अगर आपने, तो वो जो एजीएम थी वो जो एडजन हो जाएगी। एडजनमेंट हो जाएगा मीटिंग का, मतलब मीटिंग आगे बढ़ जाएगी, कैंसिल नहीं होगी, क्या होगी, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब मानेंगे जिन बिजनेस को करने के लिए, जिन मैटर पर डिसीजन लेने के लिए मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि वो सारे डिसीजन नहीं लिए गए हैं, तो बचे हुए डिसीजन ऐसा बोल रहे हैं कि हम बाद में लेंगे, मतलब जो आज एजीएम है अभी तो हम खत्म कर रहे हैं बट उसे रिज्यूम करेंगे कितने हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, उसी डेट पर, उसी टाइम पर, उसी प्लेस पर, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस मीटिंग विल बी रिज्यूम्ड अगेन। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्शन। चलो पढ़ते हैं एक बार, लास्ट पैराग्राफ मिला, सॉरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ। इफ द वैकेंसी मिला क्या बेटा, ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज, पहला पहला पॉइंट कि वैकेंसी हमने फिल ही नहीं है। दूसरा, दूसरा क्या, एंड द एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू, ये भी नहीं बोला कि वैकेंसी नहीं भरेंगे यार,
तो फिर क्या बोला, द मीटिंग शैल, शैल मतलब स्टैंड एडजर्न टिल सेम डे इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस और इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे टिल द विच इज नॉट अ हॉलीडे. वापस से पढ़ो ये लाइन, क्या बोला है भाई? सीधी सी बात है ना, तो आपने वैकेंसी भरी चाहे उसी को अपॉइंट करके या किसी नए को, ना आपने ये बोला कि हमें वैकेंसी नहीं भरनी है. अरे समझ में आया क्या? तीन चीज बोली ना मैंने, या तो वैकेंसी भर दो, कैसे उसी का री अपॉइंटमेंट या नया पट्टा लिया, हमें को टेंशन नहीं है, या आप ये बोलो कि हमें भरना ही नहीं चाहिए ही नहीं अब कोई भी, कुछ तो बोलो. बट अगर आपने कुछ भी बोला तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न होना मतलब मीटिंग आगे बढ़ जाएगी. एडजर्न होना मतलब आज जो मीटिंग चल रही थी ना वो भी थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे, इन फ्यूचर की किसी डेट पर उसे वापस से रिज्यूम किया जाएगा. ठीक है, जो एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो मीटिंग चल रही है, जो मीटिंग क्या हो रही है उसे अभी रोक देना सो दैट इट कैन बी रिज्यूम्ड इन फ्यूचर अगेन. फ्यूचर की मीटिंग कोई नई मीटिंग नहीं होगी, फ्यूचर की मीटिंग कोई नई मीटिंग नहीं होगी, है ना. सपोज करते हैं हमने 10 सितंबर 2030 को क्या बुलाई थी बेटा? एजी, फटाफट से बोलो. मान लो 5 बिजनेस पर डिसीजन लेना था, कितने बिजनेस पर? हमने 4 पे तो ले लिया, एक 5वां डायरेक्टर वाला बच गया, शेयर होल्डर ने कुछ भी डिसीजन, तो फिर मीटिंग ये जो 10 सितंबर की थी, क्या थी ये जो? ये एडजर्न हो जाएगी. कब तक के लिए? तो बोले नेक्स्ट वीक सेम टाइम प्लेस, उसी टाइम पर, उसी प्लेस पर, उसी डे पर. बट अगर वो डे क्या है? नेशनल हॉलीडे. अगर वो डे क्या है तो नेक्स्ट डे जो कि क्या ना हो? हॉलीडे ना हो. नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलीडे. क्यों? फिर से बोलो, ये सिंपल नहीं है, वापस से बोलो. क्या बोला? कि अगर ना तो वैकेंसी हमने फिल की, ना ही कि वैकेंसी हमें फिल ना, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एडजर्न मीटिंग कब होगी? सेम टाइम और वो डे अगर, तो नेक्स्ट विच इज नॉट अ, वो डे अगर, तो नेक्स्ट विच इज नॉट अ हॉलीडे. ये समझ में आया? तो हमने मीटिंग कब की? हाँ, तो 10 सितंबर को डायरेक्टर के बारे में डिसीजन लिया क्या? तो मीटिंग क्या हो जाएगी नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक मतलब 17 सितंबर, 7 दिन बाद ना, 10 में 7 जोड़े. मान लो अगर हमने 22 तारीख को मीटिंग की थी तो नेक्स्ट वीक मतलब 22 और 7 29, नहीं हमने अगर 2 तारीख को मीटिंग की थी तो 2 और 7 9 तारीख को. ठीक है, कहां होगी? बोलो उसी जगह पर होगी. मान लो ये रजिस्टर्ड ऑफिस पर हुई थी तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही होगी. टाइम बोले ये दोपहर को 2 बजे बुलाई थी, बोले 2 बजे आना है, कोई टेंशन नहीं. डे तो ऑब्वियसली मान लो ये मीटिंग थी मंडे को, कब थी? तो ये 17 सितंबर को भी मंडे आएगा, इसलिए बोला सेम डे, मतलब मंडे रहेगा उस दिन भी. जय समझ में? हमें क्या करनी पड़ेगी? मीटिंग. ये मीटिंग ओरिजिनल मीटिंग कहलाती है. ये मीटिंग क्या हो गई? कब हुई? एडजर्न मीटिंग कहलाती है. क्या एडजर्न मीटिंग को नई मीटिंग है? नहीं, इट इज मियरली कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, इट इज पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग. वापस से, ये जो मीटिंग है ना, बोलो ना, क्या कहलाती है? ओरिजिनल मीटिंग. क्या कहलाती है? और बाय चांस अगर ये क्या हो गई तो कब हो रही है? ये 17 वाली मीटिंग, 10 वाली, 10 वाली,
17 वाली एजन। क्या एडजेंट मीटिंग कोई नई मीटिंग है? क्या आपने दो दो एजीएम की है? मैं वही समझा रहा हूं, क्या आपने दो एजीएम की है? हमारी एजीएम की डेट क्या कहलाएगी? 17 नहीं 10। हमारी एजीएम की डेट क्या कहलाएगी? जो चलते चलते 17 तक पहुंच गई है, बट एक्चुअली डेट क्या है? ओरिजिनल मीटिंग 10, 17 एडजेंट मीटिंग। एडजेंट मीटिंग इज नॉट एनी न्यू मीटिंग। बोलो फटाफट से। इट इज मियरली, मियरली मतलब केवल, ओनली कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। ओरिजिनल मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन, ये कंटिन्यू है 17 तक। इट इज नॉट एनी न्यू मीटिंग, इट इज मियरली कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। हेंस ऑल द प्रोविजन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग विल बिकम एप्लीकेबल ऑन एडजेंट मीटिंग। ये तीन लाइन अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। पहली चीज क्या? एडजेंट मीटिंग कोई नई मीटिंग नहीं होती है। आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलो। ये केवल कंटिन्यूएशन है किसका? ये केवल किसका? ये केवल पार्ट है किसका? ओरिजिनल मीटिंग का। तो जो प्रोविजन किस पे लगते हैं वही किस पे लगेंगे, जो प्रोविजन किस पे लगते हैं वही किस पे लगते हैं। ये बेटा अलग से लिख लेना, क्योंकि एडजेंटमेंट का कोई सेक्शन नहीं है। कल एक ही बार लिख के ले आना कॉपी में, चारों पांचों पॉइंट। बढ़ाऊं? पांच बार लिख लाना। एक बार महा क्यों नहीं करी फिर? एक ही बार लिख लाना, है ना, वो तुम्हारे भले के लिए। कौन कौन सी लाइन समझ में आया? कौन कौन सी बोलो? एडजेंट मीटिंग इज नॉट एनी, इट इज मियरली पार्ट और कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। हेंस जो प्रोविजन वही किस पे लगेंगे? एक्शन। जाया समझ में ओ बच्चों? चले लिखो लिखो लिखो। 8 अगस्त मंडे को मीटिंग है, बोलो जल्दी से। 8 अगस्त मंडे को क्या है? एजीएम, ठीक है। और क्या नाम था उसका जो अपना डायरेक्टर रिटायर हो रहा था ना? 8 अगस्त मंडे को क्या थी मीटिंग, है ना। अब इसमें ए और बी क्या हो रहे थे? रिटायर, बट इनके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। बताओ एडजेंट मीटिंग कब होगी? पूछ रहा हूं। 8 और 7 15 ना, तो वैसे 8 और 7 15 अगस्त है। अगस्त मीन्स नेशनल हॉलीडे है। वो लिखा था ना कि इफ दैट डे इज, तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलीडे, मतलब कब होगी? ये ध्यान रखना, यही चीजें ध्यान रखना। फाउंडेशन में थोड़ी हो तुम, यकीन करो अपने आप पर कि तुम फाउंडेशन पास कर चुके हो। अपना लेवल सुधारना पड़ेगा, बाल की खाल निकालनी पड़ेगी अब तो ये सब, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें हमें ही देखनी है। हम कौन? yes. यकीन है तुमको तुम बन जाओगे? आई लाइक इट, बनना भी है। तो ये चीजें तो देखना पड़ेगी बेटा। अब अपने को केवल बुक रीडिंग थोड़ी करना है कि कोई फैकल्टी आया तुमको केवल किताब पढ़ा के जा रही, वो थोड़ी। अपने को ये बाल की खाल निकालनी है। जाए समझ में? बोलो। आठ अगस्त संडे को एजीएम कॉल किए, नहीं सॉरी 8 अगस्त सैटरडे को हमने क्या कॉल की है? एजीएम। कब होगी मीटिंग? हाँ 17 को कि 16 को? मैंने एडजेंट तो करवा ही नहीं रहे, तुम खुद मर्जी से एडजेंट करे जा रहे हो। अच्छा चलो करो। तो क्या 7 दिन बाद क्या आएगी? 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या? सैटरडे, बट नेशनल हॉलीडे। तो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? मतलब हॉलीडे तो कब करना पड़ेगी? 17 को भी अगर राखी की छुट्टी है तो 18। राखी अगस्त में आती ना, मे बी पॉसिबल ना, मालूम होना चाहिए बेटा।
8 अगस्त संडे, क्या मैं एजीएम कर सकता हूं? नहीं। हाँ, एजीएम नेशनल हॉलिडे पर नहीं होती है, एंड संडे हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे नहीं। एंड यहां दोनों जगह अलग अलग लिखा है, एक जगह नेशनल हॉलिडे और यहां केवल हॉलिडे लिखा है। हॉलिडे मतलब अक्षय कुमार की मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोड़ो। ये नेशनल हॉलिडे तीन ही होते हैं, 15 अगस्त, हॉलिडे तो हर संडे को होता है बे, हॉलिडे तो राखी पे भी होता है, हॉलिडे तो दिवाली पे भी होता है कि नहीं होता? हॉलिडे मतलब क्या? छुट्टी ना। कहां नेशनल हॉलिडे लिखा है, कहां केवल हॉलिडे लिखा है, ध्यान रखना है बे। हर नेशनल हॉलिडे पर हॉलिडे होता है, बट हर हॉलिडे पर तीन। अब खत्म नहीं करा मैंने अभी, आई डिसलाइक दिस। कहां गया 17 सितंबर? कहां गई यार 17? रोक तो भाई, रोक 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 दिया क्या? ओरिजिनल मीटिंग कब थी बोलो? हाँ, 10 बहाने करके ले गया दिल, है ना? तो फिर एडजन मीटिंग कब हुई? ओरिजिनल मीटिंग एडजन क्यों करी थी? क्योंकि शेयर होल्डर इतने नालायक थे, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जिसके कारण खामोखा हमें पढ़ना पड़ रहा है। साले उसी समय डिसीजन ले लेते तो मगजमारी नहीं होती है, बट अब ठीक है, शेयर होल्डर ऑनर है, कुछ भी कर सकता हूं। तो 10 को उसने डिसाइड आ, मीटिंग कब हो रही है? इतने नालायक 17 को भी डिसीजन नहीं लिया। अपने को तो कॉन्क्लूजन चाहिए ना कुछ भाई। 17 को भी एजीएम, 17 को भी ना तो ये डिसीजन लिया कि वैकेंसी भर दो, दो में से किसी एक तरीके से, कौन कौन से दो तरीके थे उसी को ले आओ या नया ले आओ, ना ही ये बोला कि हम वैकेंसी, तो क्या? तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, कौन है? ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। तुम इसे हलवा मत समझो, तुम कंप्लेन लॉ पढ़ रहे हो, है ना? अगर एडजर्न मीटिंग में भी आपने कट कॉपी पेस्ट किया है, अगर एडजर्न मीटिंग में भी आप डिक्टो, डिक्टो समझते हो ना, कट कॉपी पेस्ट समझ रहे हो ना, जैसा पहले किया था वैसा वैसा निपटा दिया, तो अगर एडजर्न मीटिंग में भी वो जो पैराग्राफ पढ़ा था ना, उसके जस्ट बाद का पैराग्राफ हो, जिसमें खाली बिंदियों वाले पॉइंट दिए होंगे ना, उसके ऊपर का क्या, कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी, ओ बच्चों अच्छा गुच्छा नहीं करना, बोलना तो पड़ेगा, है ना? हाँ, काई में अगर आपने डिसाइडा, वही तीन डिसाइड ना है, पहला उसी को लिया, दूसरा किसी और को लिया, तीसरा बोलो कुछ तो बोलो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो फिर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, कौन है जो, वो रीअपॉइंट हो जाएगा, कैसे? ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली समझ रहे हो, और ऑटोमेटिकली समझ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा रीअपॉइंट। 5 सिचुएशन को छोड़कर, अभी खत्म नहीं किया मैंने, 5 सिचुएशन को छोड़कर, हाँ वो छोटी छोटी सी है, अभी एक एक लाइन की खत्म कर देंगे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, पर 10 मिनट तब से काउंट करना जब से मैं बोलू। सुनो, तो ये पॉइंट समझ में आया, पहले तो ओरिजिनल मीटिंग में हमने डिसाइड आ, मीटिंग क्या कर दी, एडजर्न मीटिंग कब हुई? 17 नहीं बे, नेक्स्ट। तुम बेटा एग्जाम, एग्जाम्पल अपन समझने के लिए लेते हैं, याद ये करना है, नेक्स्ट वीक और वो डे, अगर नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ हॉलीडे, हॉलीडे बोले एडजर्न मीटिंग में भी अगर हमने डिसीजन, तो जो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन सिचुएशन को छोड़कर। तो रिटायरिंग डायरेक्टर कौन था, ए और ये ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड हो जाएंगे। कब नहीं होंगे, पहला ये डिस्क्वालिफाइड थे 164 में, क्या हो चुके थे, दूसरा अनविलिंगनेस शो कर दी उन्होंने, खुद ही मना कर दिया, भैया नहीं होना, तो भैया जबरदस्ती करोगे भैया,
नहीं यार, सिंपल सिंपल पॉइंट है, पांचों भी खत्म हो जाएंगे, है ना। पहला पहला तो क्या बोला मैंने, हाँ ये डिस्क्वालिफाइड थे, रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या थे, तो फिर थोड़ी कर देंगे यार ऑटोमेटिकली यार, यार नहीं करेंगे कोई दिक्कत। या दूसरा, इन्होंने क्या शो कर दिया अपनी विलिंगनेस, मतलब अनविलिंगनेस, मतलब अनिच्छा, इन्होंने बोल दिया नहीं करना काम, हम भी बोलेंगे निकल ले यार, दोस्त पड़ी गया तेरी, बोल ले। तीसरा, शेयर होल्डर ने इनके अपॉइंटमेंट या रिमूवल का क्या रखा था, रिजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट का क्या रखा था, वो रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया था, फेल हो गया था, मतलब पास नहीं हुआ था, और अगर पास तो इस अटेम्प्ट में कुछ नहीं होगा, एक अटेम्प्ट और लग जाएगा, भावना बात की गहराई को समझे ना। फोर्थ, इनके अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से एक्सप्रेसली ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी था। एक्सप्रेसली जरूरी था मतलब क्लियरली होना था, और यहां क्योंकि एक्सप्रेसली कुछ ये तो हम इंप्लाइड कर रहे हैं, तो बोले फिर नहीं करेंगे। वापस से पांचवा बता रहा हूं, है ना। पहला पॉइंट क्या बोला, जल्दी से बोलो, तुम्हारे नोट्स के हिसाब से लो। पहला पॉइंट क्या है, क्या शो कर दिया उसने, अनविलिंगनेस, वेरी गुड। दूसरा क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड, वेरी गुड। तीसरा, रिजोल्यूशन वॉज पुट टू द मोशन बट वॉज लॉस्ट। फिर चौथा, उसके अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए एक्सप्रेसली रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड था एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, और क्योंकि कोई रिजोल्यूशन एक्सप्रेसली पास, तो फिर हम इसको भी रीअपॉइंट नहीं करेंगे। एंड लास्ट 162 एप्लीकेबल हो गया हो, 162 पढ़ते हैं तभी बताऊंगा, अभी नहीं समझा सकता उसको मैं। तो ये पांच सिचुएशन है, जल्दबाजी नहीं करना है। क्या है ये, इन पांच सिचुएशन को छोड़ दो तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, कौन है जो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या, रीअपॉइंट। जाया समझ में, जे रोटेशनल और नॉन रोटेशनल की कहानी खत्म हुई है बच्चों। जे तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं कि पूछना नहीं है। तो पब्लिक कंपनी की कहानी तो पढ़ ली अपन ने, प्राइवेट कंपनी पे तो प्रोविजन नहीं लगता ना, पक्का ना। तो बोले प्राइवेट कंपनी अपने सारे डायरेक्टर्स के लिए, कितने सारे, मैं कह रहा हूं सारे के सारे, कितने सारे, सबके लिए प्रोविजन कहां रख सकती है, आर्टिकल। बट हां, उसे भी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कहां करवाना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में, किससे, शेयर होल्डर्स, किससे, कौन सा रेजोल्यूशन लिखा है क्या, नहीं तो कौन सा, जब तक कि एक्सप्रेसली कहीं स्पेशल ना लिखा हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में आया, चलो रिपीट करो प्राइवेट वाला पॉइंट क्या बोला है भैया, सारे प्रोविजन किस पे नहीं लग रहे थे, ना आईडी के लगते हैं, ना रोटेशनल के, ना, तो प्राइवेट कंपनी अपने सारे डायरेक्टर को रोटेशनल रख सकती है, प्राइवेट कंपनी सारे डायरेक्टर को नॉन रोटेशनल रख सकती है, कुछ भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी बोल सकती है हर साल कोई भी रिटायर, ये तो जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे, कुछ भी कर सकती है। बट कहां लिखे, बट उनका अपॉइंटमेंट और कहां होगा, जनरल मीटिंग। ठीक है, चलो कल करते।